पोस्टिंग करिए ताकि जो है हमारे शक्ति कैंप की सारी शक्तियां जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और ज्यादा से ज्यादा उत्साहित होकर भाग लें। आज का लेक्चर जो है हम बात करेंगे कंप्रेसेस की, या लपेट उसको बोल सकते हैं, या ठंडी पट्टी बोल सकते हैं, या वेट बैंडेज, हॉट एंड कोल्ड बैंडेज बोल सकते हैं। तो इसकी चर्चा आज हम करेंगे, द मिरेकुलस बेनिफिट्स ऑफ कंप्रेसेस इन नेचुरोपैथी। प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी, जैसे होम्योपैथी होती है, आयुर्वेद की चिकित्सा का तरीका होता है, एलोपैथी है, इसी प्रकार से नेचुरोपैथी का भी जो है चिकित्सा पद्धति, बल्कि चिकित्सा पद्धति ना कहकर अगर इसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग कहूँ तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी ड्रगलेस है, बिना दवाइयों के, और एविडेंस बेस्ड है, और इसमें जो है पंच महाभूतों के सिद्धांत पे और टॉक्सिमिया के प्रिंसिपल, और सबसे 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 बड़ा जो प्रिंसिपल है वो अपने शरीर की जो है स्वयं की शक्ति, जो वाइटालिटी है जो हमें हील करती है, उसके सिद्धांत पर ये चलती है। तो इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में हम क्या करते हैं, पांच तत्व हैं, जैसे ईथर है, आकाश तत्व से चिकित्सा, वायु तत्व से चिकित्सा, जिन पांचों तत्वों से हमारा शरीर बना है उन्हीं पांचों तत्वों को हम जो है चिकित्सा के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे ये जो आज पट्टी, लपेट, कंप्रेस की जिसकी मैं बात करने जा रही हूं, ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में अंडर हाइड्रोथेरेपी आती है। हाइड्रोथेरेपी का मतलब जल चिकित्सा, किस प्रकार से हम इस जल का प्रयोग करके, और इतना मिराकुलस, इतना अद्भुत इसका प्रयोग है और इसके लाभ हैं कि इस चमत्कारी लाभ से आप जो है हैरान रह जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में एक बहुत बड़े जो है जिसे कहते हैं जल चिकित्सा के जो प्रवर्तक रहे हैं, विंसनेस प्रेसनेट्स, उनकी यदि मैं बात करूं तो उन्होंने इस जल चिकित्सा का प्रचार प्रसार किया, और इसका जो प्रचार प्रसार और इसके बारे में इसकी डिस्कवरी उन्होंने कैसे की, कि एक बार जो है उनके बचपन से उनके घर में, ये जर्मनी के एक चिकित्सक हैं, तो इनके घर में जानवर, घोड़े वगैरह इत्यादि होते थे, तो बचपन से देखते थे कि उनके पिताजी जो हैं, जब जानवर, जो पालतू जानवर जितने इनके फार्म पे होते थे, उनको जब भी चोट लगती थी तो वो एक जो है जल की भीगी हुई पट्टी जो है वो बांधते थे, इस तरह से चिकित्सा करते थे। एक बार जब इनका जो है हाथ में चोट लग गई तो इन्होंने उसी चिकित्सा, जल चिकित्सा द्वारा अपने रोग को दूर किया। तो वहां से जल चिकित्सा का जो है प्रचार वहां से शुरू हुआ। अब सबसे पहले जल चिकित्सा में मैं ठंडी पट्टी या गीली पट्टी की बात करती हूँ। ठंडी पट्टी, गीली पट्टी का सिंपल जो है, आपने कॉटन, इसमें सबसे ज्यादा खादी सबसे अच्छी रहती है क्योंकि वो सोख भी लेती है पानी, और अगर वो नहीं है तो कोई बात, कोई भी आपकी चादर है, कोई भी कॉटन का कपड़ा है, वो आप उसका प्रयोग करके उसको जल में भिगो कर और उसको निचोड़ कर आप कहीं भी ठंडी पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फीवर है तो वो ठंडी पट्टी हम देखते ही हैं कि माथे पर, जब भी किसी को ज्वर हो तो माथे पर और पेट पर ठंडी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। ये ठंडी पट्टी साधारण कपड़े की दो तीन तह बना के और उसको जो है माथे पे लगाई जाती है, और दो चार मिनट लगा लगा के उसको बदल बदल के, क्योंकि आप लगाते हैं वो गर्म हो जाती है, तो निरंतर ये 5-10 मिनट की क्रिया, और वही पेट पर। ये तो हुई जल की पट्टी की। अब ये जो वेट बैंडेज है, ये कई चीजों में लाभदायक है। मान लीजिए आपके कहीं कट हो गया, कहीं चोट लग गई, कहीं फोड़ा फुंसी है, कहीं पर रक्त का स्राव हो रहा है, कहीं पर घाव है, कहीं पर मोच आ गई है, और कहीं पर जलन है, किसी अंग में पीड़ा है, इन सभी चीजों में
ये इतनी चमत्कारी, आपको बस कपड़ा लेना है, उसको जो है पानी में भिगोना है सादे जल में, और दर्द अगर अधिक है तो थोड़ा ठंडा जल लेके उसमें भिगोकर आप उस अंग पर वो पट्टी लगाइए लगातार और बदल बदल के, तो आपका जो रक्त का स्राव है, जो रक्त टपकना है वो बंद हो जाएगा। अगर बहुत तेज दर्द है तो बहुत ठंडे पानी में भीगी हुई पट्टी लगाइए, अगर मोच आ गई है तो आप ठंडे, ज्यादा से ज्यादा ठंडे पानी का पट्टी जो है वहां पर लगाइए और उसको हर थोड़ी देर में बदलते रहे। इस प्रकार जलन है, कहीं जल गया है, और मान लीजिए कहीं बहुत जहरीले किसी कीटाणु ने काट लिया है, डंक मार दिया है, तो तब भी वहां पर भी आप ठंडे से ठंडे गीले पट्टी को अगर लगाएं कुछ देर तक, तो आपका जो है आपको दर्द में राहत मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा घाव है जिसमें रिसाव हो रहा है, तो उसपे लगाने का ठंडी पट्टी का क्या तरीका है, पहले नारियल के तेल में आप एक कपड़े के टुकड़े को नारियल तेल में डिप करें और उस घाव पर रखें, और उसके ऊपर ठंडी पट्टी आप रखें, तो आपको उसमें उस घाव के भरने में और उस दर्द, स्पेशली ये जो जितनी ज्यादा ठंडी पट्टी आपके दर्द में जो है वो बहुत लाभकारी होती है। तो ये तो एक प्रकार की सिंपल, जिसे कहते हैं वेट बैंडेज, मैंने आपको बताई, और पेट की गर्मी शांत करने के लिए ऐसे कई रोगों में आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम ठंडी गर्म पट्टी पर। ठंडी गर्म पट्टी का मतलब क्या है कि इसे बोलते हैं कंप्रेस। कंप्रेस जो है एक जादुई सा असर करती है, इसे मामूली मत समझिए। इसमें एक आपको दिखाती हूं मैं, कॉटन की बैंडेज होगी और एक होगी ऊनी बैंडेज। तो सबसे पहले चलिए हम पेट की लपेट, इसे हम कह सकते हैं पेट की लपेट या एब्डोमिनल कॉम्प्रेस या हॉट एंड कोल्ड बैंडेज, ऐसे कई नामों से इसको पुकारा जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में। तो क्योंकि रोग की शुरुआत की जड़, यानी कि रोग की जड़ पेट से होती है, तो सबसे पहले पेट की लपेट या एब्डोमिनल कंप्रेस, इसके लिए ये देखिए, ये 12 इंच चौड़ाई का कॉटन का जो है इतना चौड़ा आपने कपड़ा लिया, और ये कम से कम 1.5 मीटर लंबाई में है। तो ये हो गई कॉटन की ठंडी पट्टी, इसको का इस्तेमाल करेंगे, और ये हो गई, इससे थोड़ा सा बड़ा साइज होगा ये एक अगर। मिनट डॉक्टर, आप हाँ, स्क्रीन पे आ जाइए ना, वो छोटा छोटा दिख रहा है, वो बड़ा दिखेगा स्क्रीन पे। कैसे आ जाऊं मैं, मैंने स्क्रीन पे आपको वो लाएगी ना चंदा। चंदा लाइए प्लीज। हाँ चंदा, यस आप, मैम, एक सेकेंड। हाँ थैंक यू। आप स्क्रीन पर ही हो मैम? नहीं, स्क्रीन पे नहीं हाँ मैं तो है। स्क्रीन पे, हाँ नहीं, स्क्रीन पे ही है, आप दिख रहा है? हाँ हाँ स्क्रीन पे ही हूँ मैं, बाकियों को दिख रहा है? निर्मला जी देख पा रही हैं आप दिख रहा है। अपना, है ना? तो हाँ आप सेटिंग अपनी कुछ इस तरह से करिए ताकि आपको भी दिखे। सुशीला जी नहीं, मेरे को दिख रहा है, पर वो हमारी लाइन में छोटा है, पूरी स्क्रीन पे नहीं है जहाँ पे होना चाहिए, मेन स्क्रीन पे। मैं मेन स्क्रीन पर ही हूँ, सुशीला जी मैं मेन, अच्छा सबको मेन स्क्रीन मैं चेक कर, मैम मैं चेक कर। सुशीला मैम स्क्रीन पर ही है, मेन स्क्रीन पर है, मुझे तो दिख रही है। हाँ ओके ओके ठीक तो है। ये कॉटन की पट्टी 12 इंच से 15 इंच, इससे थोड़ी सी 14 इंच की आप चौड़ाई की ये ऊनी पट्टी, और इसमें देखिए ये थोड़े से नाड़े बंधे हुए हैं ताकि उसको जो है टाई कर सके, ठीक है? तो ये हो गई पेट की लपेट। पेट की लपेट यानी कि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, यदि आपको फीवर है, यदि आपको पेट का कोई रोग है, कैसी भी समस्या है, इनडाइजेशन है, आपको दस्त लगे हुए हैं, आपको कब्ज हो रहा है, आप में से यदि सुबह का कोई सेशन अगर आपने ज्वाइन किया हो, तो उसमें एक महिला ने मुझे कहा था कि 12 साल पुरानी कब्ज उनकी दूर हो गई थी केवल और केवल इस लपेट को बांधने से। उनका कब्ज सही होता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा जब से मैंने लपेट बांधनी शुरू करी है
तब से उनका कब्ज और पेट की सारी समस्याएं दूर हो गई। तो ये तो हुई पेट की लपेट। लपेट अलग अलग अंगों के हिसाब से अलग अलग साइज की होती है। अब मान लीजिए कि किसी के घुटनों में दर्द है, तो घुटनों के लिए ये देखिए, ये उससे समझ लीजिए कि 6 इंच इसकी जो है, ये देखिए कॉटन की पट्टी जो कि 6 इंच चौड़ी है ताकि आपका घुटना कवर हो जाए, और उतनी ही ये ऊनी पट्टी है, तो ये आपके घुटने पे लपेटने के काम आ सकती है। आपके जो है पैर में शाइटी का, पूरे पैर पे भी आप लपेट सकते हो। मान लीजिए कहीं एंकल में आपके मोच आ गई है, या वेरिकोस वेन, सुशीला जी आपके वेरिकोस वेन है आप थाई तक, उसमें आप जो है इवन आप बड़ी लपेट ले सकते हो, जो नीचे से लेके आपके ऊपर थाई तक आप जो है ये लपेट नीचे से लेके ऊपर तक, और या फिर जिस अंग प्रत्यंग में प्रॉब्लम है आप उस अंग के साइज की, जैसे कि मैंने कहा ये घुटने की है आपके, बड़े आराम से अगर किसी के फ्रोजन शोल्डर है तो कंधे पे भी बांध सकते हैं। मान लीजिए किसी के बाजू में दर्द है, किसी के कोहनी में दर्द है, या कहीं भी, तो उसके हिसाब से आप साइज का जो है चुनाव कर सकते हैं, या अपने आप बना भी सकते हैं। आपको याद ये रखना है कि वो जो कॉटन की लपेट है, पहले मैं साइजेस की बात बता दूं, ये रही हमारी गले की लपेट। गले की लपेट जो उतना बड़ा साइज होगा कि आपका जो है गला कवर हो जाए, और जिन लोगों के थायराइड है, जिन लोगों के टॉन्सिल्स हैं, जिन लोगों के वॉइस बॉक्स में गला हमेशा खराब रहता है, या जिन लोगों को कफ कोल्ड है, तो वो लोग ये जो है रेगुलर ये साइज देख रहे हैं। पहले आपको कॉटन की हर एक बार हर एक अंग में जब भी आप लपेट बांधेंगे तो कॉटन की लपेट को आपने पहले पानी में डिप करना है, और उसके बाद आपने निचोड़ना है, इतना निचोड़ना है कि पानी टपके नहीं, और फिर उसको जो है उस अंग प्रत्यंग पे लपेट लेना है, 2, 3, 4, 5 जितने लपेट आएंगे उतना अच्छा है, उतनी मोटी तह बनेगी तो उतनी देर तक उसकी ठंडक बरकरार रहेगी, और फिर उसके ऊपर जो वुलन कपड़ा है उस अंग के ऊपर, उस पट्टी के ऊपर आप जो है वुलन लपेट जो है बांध लेंगे, और उसके जो नाड़े हैं एंड में उससे आप टाई कर लेंगे ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। और याद रखिए कि इतना टाइट नहीं बांधना कि आपका वहां पर जैसे सॉक्स में खून जम जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए, और इतना ढीला भी नहीं हो कि वो गिर जाए आपके स्थान से। और आपके कमर में दर्द है तो भी आप ये पेट की लपेट कमर पे भी बांध सकते हैं थोड़ा नीचे करके। और इसके अलावा आपका जो है गले की, जैसे मैंने बता दी ये अलग अलग लपेट हो गई। अब इसके बांधने की विधि आपको क्लियर हो गई। आपको जो है, हाँ एक जरूरी बात, आपके जैसे निर्मला जी आपके चेस्ट पे भारीपन, या जिनको फॉर दैट मैटर किसी को चेस्ट कंजेशन है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, और उनको खांसी की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में ये जो लपेट है जितनी चौड़ी, इसको आप छाती पे और छाती से कंधे पर आप लपेट सकते हैं। इसकी मैं तस्वीर अगर चंदा आप शेयर कर सको लपेटों की, आपको मैंने व्हाट्सएप की है, तो किस तरह से छाती की लपेट, और मैंने शक्ति के ग्रुप में भी पेट की लपेट, छाती की लपेट, और ये घुटने की लपेट, उस सब की तस्वीरें मैंने डाली है। तो जिनकी छाती में अगर प्रॉब्लम है उनको करना कुछ नहीं है, उनको जो है पेट की लपेट को ही आपको जो है समझ लीजिए आप इस लेफ्ट शोल्डर से ऐसे जाएंगे और वो लपेट आपके पीछे से आएगी, देखिए आपकी चेस्ट पर करने के लिए आप लेफ्ट शोल्डर से जाएंगे इस तरह से, और फिर जो है आप अपनी चेस्ट को कवर करते हुए इस तरह से पीछे से इस कंधे पर भी आप लपेटते हुए
तो इस तरह से देख रहे हैं आप, यानी कि किसी के अगर कंधे पे भी दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, तो आपके कंधे भी कवर हो रहे हैं और आपकी छाती भी, लंग्स भी कवर हो रहे हैं, और आपके ये जो है पूरा एरिया जो कंजेशन है। तो याद रखिए, ये जो लपेट है ये आपका ब्रोंको डायलेटर का काम करती है, यानी कि जो जहां पर भी जमावट है, रुकावट है, वहां उसको खोलेगी, वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी। तो जिनके भी अगर कफ जम जाता है छाती पे, अगर वो ये रेगुलर इस लपेट को बांधे तो वो जमावट वो जो है वो खुलेगी। इतनी चमत्कारी ये आपकी लपेट है। उसी तरह से जैसे अब सीजन कई बार क्या होता है, कोई बुजुर्ग लोग हैं और कमजोर लोग हैं मान लीजिए, तो उनको क्या करना है, सर्दी के मौसम में हमारी निर्मला जी चली गई हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट में बताने वाली थी, तो उनको गुनगुने पानी में, जैसे अब सर्दी का मौसम है तो लपेट उनको सादे पानी में ना भिगोकर हल्के गुनगुने पानी में। निर्मला जी आपके लिए एक बात बता रही हूँ कि जो लोग बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, और उनको अगर ये ठंडी पट्टी से ठंड लगती है तो उनको क्या करना है, हल्के गुनगुने पानी में ये जो है कॉटन की पट्टी को लपेटना है, और फिर जैसे जिस अंग पे पेट पे बांधिए, छाती पे बांधिए, जहां आपको दिक्कत है घुटने पे बांधिए, अगर जिनको इस भीगी हुई पट्टी से अगर उनको थोड़ी सी ठंड लगती है, वैसे तो निर्मला जी आप इस जगह बॉम्बे में हैं तो आप वहां तो इतनी ठंड नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे जिसको अगर ठंड लगे, तो वो गुनगुने पानी में कॉटन की पट्टी को लपेट कर वो बांध सकते हैं, और उसके ऊपर ऊनी पट्टी उसी तरीके से लपेटे। आपको याद रखना है कि ये लपेट जो है खाली पेट ही बंधेगी, यानी कि अगर नाश्ता किया है तो उसके एक घंटे बाद, अगर आपने प्रॉपर भोजन किया है तो उसके दो घंटे बाद, ज्यादा फायदा लेना है तो दिन में दो बार बांधिए। रात को आप बांध के सो भी सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फायदा ही होगा, और आप अगर अनकंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप बांध के आराम से सोइए। तो यानी कि देखिए, गले के रोग हैं, थायराइड, पैराथायराइड और टॉन्सिल्स, तो गले की लपेट है, घुटने की लपेट है, कंधों पे बांध सकते हैं, चेस्ट पे बांध सकते हैं, पेट पर, कमर पर, एंकल पर, जहां दर्द है आप, और वेरिकोस सुशीला जी आप उस पर जो है पहले इसी तरह से सादे पानी में भिगो कर लपेटिए, और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 40 मिनट, बस 40 मिनट तक ही बांधना है, 40 मिनट तक बांधना है, तब तक आपकी बॉडी की हीट से वो जो है पट्टी अंदर की जो भीगी हुई है वो सूख जाएगी। और आप कल पेट पे बांधी थी मैंने तो अच्छा लगा, आज मेरे को थोड़ा गैस अच्छा लगा। हाँ नहीं, ये इतनी चमत्कारी है, इतनी मतलब देखने में इतनी मामूली है, लेकिन इसका साइंस जो है बहुत अद्भुत है, और आप आराम से इससे जो है, मैंने तो कईयों को घुटनों में, गठिया के लोग हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट कहते हैं जी हम क्या कहते हैं गीली पट्टी कैसे बांधे, हमारी तो छाती पहले ही जमी हुई है, तो हम उनको बताते हैं कि देखिए आपके जो गीली पट्टी है उसके ऊपर आपको वुलन पट्टी हम बांधते हैं। हाँ, अगर आप उसको बांध के एसी में और पंखे में बहुत ज्यादा देर बैठेंगे और आपको लगती है ठंड, तो फिर आपको ये प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और अगर आपने भोजन किया है तो उसके दो घंटे बाद, 40 मिनट का केवल प्रयोग है, दिन में दो बार बांटिए बांधिए। तो देखिए मतलब कितनी चमत्कारी है कि इसका जो है नाश्ता करने के एक घंटे बाद में, हाँ पेट थोड़ा हल्का रहेगा, ये नहीं कि पेट पाचन क्रिया में लगा हुआ है, क्योंकि इसके बांधने से जहां भी रुकावट, जमावट, कंजेशन है वो दूर होगी, और वहां जो है अगर कहीं जैसे कि कफ जमा हुआ है या जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हुआ है वो खुलेगा, तो वहां का जो है, वहां की प्रक्रिया जो है क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है वो पेप अप होगा, और धीरे धीरे वहां सर्कुलेशन बढ़ेगा, और धीरे धीरे वहां की आपकी जो तकलीफ है वो दूर होगी। अब देखिए, जब हम लपेट बांधते हैं, आखिर इसमें इसका जो साइंटिफिक बेस है, ऐसा क्या चमत्कारी हो जाता है कि ये दो लपेटे मिलकर आपके कितने सारी पीड़ाएं और कितनी तकलीफों को आपको दूर करते हैं। जैसे ही हम जो है गीली पट्टी यानी कि भीगी हुई पट्टी जब पहले अपने नंगे बदन पर लपेटते हैं,
तो सबसे पहले उसमें शीतकारी प्रभाव होता है, यानी कि लपेटने के तुरंत बाद आपको हल्का सा 5-10 मिनट ठंडक सी महसूस होगी, जो आपको बड़ी सूदिंग लगेगी। तो आप समझ जाइए कि आपके लिए करेक्ट है, आपको ठंड नहीं लग रही तो इसका मतलब ठीक है, वो सुहानी आपको सुहाएगी, वो हल्का सा लगेगा शीतकारी प्रभाव। 5-10 मिनट बाद क्या होता है कि जो त्वचा की रक्त कोशिकाएं हैं, जब ठंड लगती है तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ती हैं, और वहां का रक्त भीतर की ओर जाएगा, अंदर की साइड पर, अंदर के ऑर्गन्स में। और धीरे जब आप अभी 40 मिनट किए तो 5-10 मिनट में अगला प्रभाव जो सेकंड इफेक्ट होता है वो होता है समकालीन, यानी कि एकदम से जब पहले जो 5-10 मिनट पे ठंड लगी थी, अब आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ना आपको ठंड लगेगी ना आपको उसमें गर्मी लगेगी। उस समय जो है सामान्य रक्त का संचार होगा और यह स्थिति आपकी 20 मिनट तक रहेगी। 20 मिनट तक आपका सामान्य रक्त संचार रहेगा और आपको कोई फीलिंग ना ठंडी ना गर्म होगी। एंड में यानी के बाकी समय, अब इसके बाद जो तीसरा प्रभाव है वो है उष्णकारी। अब जो गर्म ऊनी लट्टी आपने लपेटी हुई है ऊपर, वो भी तो कोई असर कर रही है, वो भी तो गर्माहट प्रदान कर रही है उसको, तो इसीलिए आपका अब जो है उष्णकारी प्रभाव शुरू होगा, तीसरा प्रभाव। और रोगी को थोड़ी सी गर्मी महसूस हो सकती है और रक्त संचार जो है शरीर के आंतरिक, अब क्या है कि गर्मी हुई तो जो त्वचा के ऊपर की ब्लड वेसल्स थी, गर्माहट से क्या होता है फैलावट होती है, तो जो ऊपर की त्वचा के जो ब्लड वेसल्स थे वो डायलेट करेंगे तो अंदर से भीतर से जो रक्त कोशिकाएं हैं रक्त लेकर विद द टॉक्सिन्स वो तेजी से सतह पर आएंगी, तो हमारे शरीर का टॉक्सिन, हमारे शरीर की जो गर्मी है वो सब बाहर आएगी और तेजी से जो है हमारे जो है जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, हमारे रक्त कोशिकाओं को पोषण भी मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे भीतरी छिद्र खुलते हैं पसीने के द्वारा हमारा, क्योंकि अब गर्माहट पहुंची है तो थोड़ी गर्मी लगी है, थोड़ी सी ब्लड वेसल्स, तो मल है वो निष्कासक अंगों या पसीनों से, पसीने के थ्रू हमारे शरीर से बाहर जाएगा और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैपअप होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन पैपअप होगा तो हमारे कोशिकाओं को जो न्यूट्रिशन है वो भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये इसका जो है साइंटिफिक बेसिस है कि हमारी ये जो है अलग अलग ऑर्गन्स पे किस तरह से, और देखिए जहां भी सूजन इत्यादि होती है, जहां भी कहीं सूजन है तो ठंडी पट्टी, केवल ठंडी पट्टी या ये गर्म ठंडी पट्टी भी लगा के आपकी सूजन में चमत्कारी प्रभाव आपको मिलेगा। और इसकी उपयोगिता है, एक तो ज्वर कम करने में, आपका जो है हाई बीपी है, लो बीपी है, डिप्रेशन है, मोटापा, यदि आप पेट पर नियमित तौर पे बांधते हैं आपका पेट धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। डेली आप 2 बार बांधिए, आप देखेंगे आपके कपड़े लूज होने शुरू हो गए, और जो त्वचा, जैसे आप वेट रिड्यूस करते हैं तो त्वचा लटकने लगती है, तो इससे क्या होता है स्किन टाइटन्स अप एंड इट गेट्स फर्म, तो वो लटकना जो मांसता है वो भी नहीं होता। और हमारे चर्म रोग है, हमारे नर्वस सिस्टम के रोग हैं, इस तरह से हमारे जो है, लेकिन जिनको जो है अगर बहुत ज्यादा, वही मैंने प्रिकॉशन लेने को बोला कि अगर ठंड इत्यादि लग रही है तो वो गुनगुने पानी में भिगोकर उस पट्टी का इस्तेमाल करें। और इस तरह से आपको जो है इस पट्टी में आप देखेंगे 2-4 बार के इस्तेमाल से जो कॉटन की पट्टी है वो मैली होनी शुरू होगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि रक्त के साथ आपका जो है टॉक्सिन्स आ जाती है, रक्त कोशिकाएं टॉक्सिन्स लेके आपके पसीने के थ्रू जो आपका टॉक्सिन्स है वो बाहर आते हैं, तो आपकी पट्टी गंदी होती है, तो उसको रेगुलरली आपको वॉश करना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए, ताकि हर बार जो है साफ पट्टी आप प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इस लपेट का भरपूर फायदा उठाएं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, और साधारण तरीके से आप बांध के अपने घर का काम कर सकती हैं। सुबह आपने नाश्ता किया, उसके 1 घंटे बाद बांध के आप अपना घर का कार्य कीजिए, आप लेटिए बैठिए,
वॉक करिए, कुछ भी एक्टिविटी करे, उसमें कोई हैम्पर नहीं होगा। तो इस प्रकार से और अपने जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ लेक्चर को मैं विराम देती हूँ। अगर कोई प्रश्न है निर्मला जी खान पान के प्रति या किसी और चीज के प्रति, कोई और पर्टिकुलर प्रॉब्लम यदि किसी को हो रही है तो उसके निवारण के लिए मैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं तो बताएं, और नहीं तो हम सब क्या कहते हैं यहीं पर जो है कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे को ना, मैं एक्सरसाइज जब करती हूँ, ये लास्ट का कौन सा आसन का नाम नहीं याद आ रहा है, उस टाइम मेरे को ऐसे लगता है कि मेरी एसिडिटी, मेरे को जो मैं पिछली बार भी शायद ये चीज बोली थी कि मेरे को जो ऐसे लग रहा है सब बाहर आ रहा है, जबकि मैं लंच में ऐसे नहीं लेती हूँ कुछ भी, तो इसका मतलब इसको मेरे को एसिडिटी ऐसा कुछ है अंदर जो मेरे पेट में जो जलन टाइप। हाँ, तो आप खान पान क्या कर रहे हो, एसिडिटी तब होती है जब आप खाते प्रॉपर नहीं हो, यानी कि आपको भूख लगी है लेकिन आपने खाया नहीं, या तो नहीं। या डिले कर दिया, या फिर जितना एसिड बना अमाउंट आपने कम खाया तो वो यूटिलाइज नहीं हुआ एसिड। क्या खाते हो आप लंच, मतलब अभी जब आप सुबह से, आप भोजन का क्रम बताइए मुझे। नहीं, मैं लंच में तो फ्रूट खाती हूँ ना। ओके, पर मेरे पिछली बार भी ऐसे ही था, मेरे को हर बार ही लगता है कि ये जो मैं पेट को दबाती हूँ या कुछ, तो इसका मतलब मेरे अंदर है, ये बॉडी में है। तो आप फल कितने बजे खाते हो? हाँ, फल कितने बजे खाते हो आप? मैं एक, क्योंकि वो 12 से 1 हम लोग वो करते हैं ना मंत्रों का जाप, तो 1:15 बजे हम लोग कोशिश, पहले तो 1:30 बजे हम रूम से बाहर निकलती थी, पर अभी 1:15, 1:20 पे मैं फ्रूट खा लेती हूँ। अच्छा, तो फल के साथ कुछ और भी खाते हो आप? नहीं नहीं, और कुछ नहीं खाती हूँ। अच्छा, पर ये मुझे लगता है ये मेरे पुरानी है कुछ, जो ये मैं करती हूँ तो बाहर आता है, तो मेरे ख्याल से ये जो लपेट का जो सिस्टम है, ये मेरे को आराम मिलेगा इससे करने से, मेरे इससे खत्म हो सकती है ये चीज। ये आप करके देखिए, लेकिन ये दिल्ली की, अपने दिल्ली की ठंड में थोड़ा सा गुनगुना पानी, गुनगुना गर्म पानी से ही लपेट को करके करें। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ठंड लगेगी अगर आपको तो उससे आपको जो है गुनगुने पानी में ही लपेटना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ठंडा है अभी यहाँ पे तो काफी। और ये ऐसे किसी और समय भी बनता है क्या, कभी और भी लगता है? हाँ, कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है, जब ज्यादा खाना भी हो जाता है या ज्यादा हो जाता है ये मेरे को, क्योंकि मेरे को पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम थी ना, तो माइग्रेन में उल्टियां बहुत होती थी, तो लास्ट में ये जलन होती थी, तो वो तो अभी खत्म हो गया, टच वुड, वो तो अभी थोड़ा ठीक, मतलब काफी ठीक है मेरे को, लेकिन ये ऐसे रेगुलर में नहीं होता है, पर कभी कभी ऐसे जैसे होता है। हाँ, आपको मैं दो चीजें बताती हूँ, एक तो ये लपेट बांधनी शुरू कीजिए, और दूसरा जो है आपने 1 बजे फल खाया और 4 बजे योगा क्लास है, तो आप 4:45 बजे कुंजल कर ले एक बार। क्या करूं? कुंजल, कुंजल आप जानते हैं? अच्छा, गुनगुना 5-6 ग्लास पानी पीजिए, अगर आपके पेट में एक्सेस एसिड होगा तो निकल जाएगा, और फिर आप आसन करके देखिए और अपना अनुभव मुझसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, तो चलिए फिर आज्ञा दीजिए। नमस्कार, और वेरी वेरी गुड एंड बाय बाय, थैंक यू। लीव नहीं हो रही मैं, क्या बात है? कोई नहीं, मैं एंड कर देती हूँ, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय टू ऑल।